नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम लाते हैं रोमांचक कहानियां और अद्भुत तथ्य। आज हम एक ऐसा विषय उठाने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करता आ रहा है, टाइम ट्रैवल। क्या वाकई समय यात्रा करना मुमकिन है? क्या हम भविष्य में जा सकते हैं या अतीत को बदल सकते हैं? चलिए इस रहस्यमयी और साइंस फिक्शन से भरी दुनिया में उतरते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टाइम ट्रैवल क्या है। साधारण शब्दों में टाइम ट्रैवल का मतलब है समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर या इंटरस्टेलर। लेकिन क्या यह सब सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ हकीकत भी है? अब बात करते हैं विज्ञान की। आइंस्टीन की थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता सिद्धांत के बिना टाइम ट्रैवल की बात करना अधूरा है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। उनके मुताबिक अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें तो हम समय के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश की गति से तेज जाना संभव नहीं है। आइंस्टीन की यह थ्योरी हमें यह भी बताती है कि अगर आप तेज गति से यात्रा करेंगे तो आपका समय धीमा हो जाएगा। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। यानी अगर आप एक अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति के करीब यात्रा करेंगे तो धरती पर एक साल गुजरेगा, लेकिन आपके लिए शायद कुछ ही महीने। अगर आप अतीत में जाना चाहते हैं तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार आपको किसी तरह वर्म होल का इस्तेमाल करना होगा। वर्म होल्स को समझें जैसे कि स्पेस टाइम में छोटे छोटे शॉर्टकट्स। अगर हम एक वर्म होल से गुजर सकें तो हम समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। पर क्या वर्म होल वाकई मौजूद है? वैज्ञानिकों ने अभी तक इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, लेकिन सिद्धांतों के अनुसार ये मुमकिन हो सकता है। ब्लैक होल्स भी एक और रहस्यमयी जगह है जो समय को विकृत कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाएं तो वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वह आपके समय को धीमा कर देगा। अब तक तो आपने ये जान लिया होगा कि विज्ञान के अनुसार टाइम ट्रैवल संभव है, लेकिन यह अभी भी एक सैद्धांतिक विचार है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जहां अत्यधिक ऊर्जा वाले कणों को एक दूसरे से टकराया जाता है। इन प्रयोगों से समय और स्पेस के बारे में नई जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि टाइम ट्रैवल को हकीकत में बदलने के लिए जो तकनीक चाहिए वह हमारे पास अभी नहीं है। हमें ऐसी एनर्जी और संसाधनों की जरूरत होगी जो फिलहाल हमारी पहुंच से बाहर है। टाइम ट्रैवल से जुड़े कई पैराडॉक्स भी हैं, यानी ऐसी बातें जो उलझन पैदा करती हैं। सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें तो क्या आप पैदा हो सकते हैं? अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो अतीत में कैसे गए? ये सब बातें टाइम ट्रैवल को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। फिर है प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, यानी आप भविष्य में जो करने जा रहे हैं वो पहले से तय है। ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की सच्चाई पर कई सवाल खड़े करते हैं। भविष्य में टाइम ट्रैवल करना विज्ञान के अनुसार ज्यादा संभावित है। अगर हम कोई ऐसा यान बना सकें जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो हम अपने समय से बहुत आगे निकल जाएंगे। हालांकि अतीत में यात्रा करना फिलहाल असंभव सा लगता है, लेकिन विज्ञान में हर रोज नई खोजें हो रही हैं और कौन जानता है, भविष्य में हम इस रहस्य को भी सुलझा लें। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल पर हमारे इस सफर में हमने देखा कि विज्ञान के हिसाब से यह मुमकिन तो है, पर इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये सवाल कि क्या हम कभी अतीत या भविष्य में जा पाएंगे अभी अनुत्तरित है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान में यह सबसे रोमांचक विषयों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।